इस भूमि को निरंतर मार्गदर्शन करते रहते हैं। जिस भूमि पर पूज्या गौ माता जैसा पवित्र प्राणी का हमको आश्रय मिला है, उनका सेवा करने का अवसर मिला है, तो निश्चित रूप से भारत की भूमि पुण्य भूमि इसलिए कहा गया है। बाकी और किसी देश की भूमि को पुण्य भूमि नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानव जन्म के साथ में ही तीन ऋण हमारे ऊपर हो जाते हैं। जन्म लेते ही सबसे पहले देव ऋण, उसके बाद में ऋषि ऋण, उसके बाद में पितृ ऋण। देवताओं का हमारे ऊपर कर्जा है, ऋषियों का हमारे ऊपर कर्जा है और माता पिता का हमारे ऊपर कर्जा है। इन तीन ऋणों को उतारने के लिए ही विवाह किया जाता है। विवाह इसलिए किया जाता है कि मनुष्य के ऊपर तीन कर्जे हैं, वो तीन कर्जे उतारे कैसे, विवाह करके वो तीन कर्जे उतारने के लिए विवाह किया जाता है। विवाह इसलिए भी किया जाता है, केवल पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह किया जाता है, क्योंकि पुत्र होगा तो पिता, जब 100 वर्ष पूर्ण होंगे पिता को, तो पिता के पीछे श्राद्ध कौन करेगा। श्राद्ध के लिए पुत्र की प्राप्ति बहुत जरूरी है। विवाह कोई मौज शौक के लिए नहीं किया जाता है। इसलिए विवाह करने वाले जितने भी बालक इस समय यहाँ पर उपस्थित हो, किसी का हो गया हो अथवा होने वाला हो, वे ऐसा माने कि मेरे ऊपर तीन ऋण है, उस ऋणों से मुझे उऋण होना है, इसलिए मैं विवाह कर रहा हूँ। विवाह के उत्सव में कितना सब लोग आनंद पूर्वक विवाह उत्सव संपन्न करते हैं। जिस प्रकार से विवाह का उत्सव हम संपन्न करते हैं, ऐसे पूरा जीवन का भी उत्सव हम उसी प्रकार से संपन्न करें। भगवान ने हमको अहेतु की कृपा करके शरीर दिया, बताइए इस शरीर में हमने क्या बनाया है? इस शरीर में हमने कुछ बनाया है क्या? हम लोग इस शरीर में कुछ नहीं बना सकते। भगवान ने इतनी सुंदर आंखें दी, भगवान ने इतना सुंदर कान दिए, भगवान ने इतना सुंदर नाक दिया। इस शरीर की विशेषताओं पे आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नाक तो एक है, पर सूंघने की सुगंध हम कितने प्रकार की ले सकते हैं। बोलो भगवान ने कितनी कलाकारी की होगी। एक नाक में हम हजारों प्रकार की सुगंध ले सकते हैं। जीभ एक है, पर एक जीभ पर हम हजारों प्रकार के स्वाद ले सकते हैं। कान एक है, क्या सुंदर बनाया, अलग अलग शब्दों का हम राग, कड़वे शब्द आएंगे तो हमको गुस्सा आएगा और मीठे शब्द लगेंगे तो अच्छा लगेगा। हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हम कितने खुश होते हैं, और जैसे हमारी कोई बुराई करता है तो हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। माने कैसा भगवान ने शरीर को बनाया है। चमड़ी कितनी बनाई कि इस पे अलग अलग स्पर्श होंगे आपको। लकड़ी का स्पर्श होगा तो आपको पता लगे लकड़ी है, लोहा का स्पर्श होगा तो लोहा है, फूल स्पर्श होगा तो फूल है, कपड़ा स्पर्श होगा तो कपड़ा है। इतनी भगवान ने सुंदर विशेषताओं से भरा हुआ शरीर दिया, हमने यहाँ आकर के किया क्या? हमारे ऊपर थोड़ा सा भी कोई एहसान करता है, थोड़ा सा कोई उपकार करता है तो हम जीवन भर उनका एहसान मानते, अरे आपका बड़ा एहसान है। हम कभी संकट में होते हैं, थोड़ा सा हमको कोई सहारा देता है, हम उनका जीवन भर एहसान मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया कि हम भगवान का एहसान मान रहे हैं। भगवान का एहसान मानते होते तो सुबह उठते भगवान का नाम लेते हैं, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई।